मैं अभी दिखाऊंगा अगले जाने वाले शिरडी। तो ये देखिए, ये है फ्री टेंट जहाँ पे आप रह सकते हैं, और आपको यहाँ पे गद्दे भी अवेलेबल होते हैं। मैं आपको बता दूँ तो 10 रुपया पर पर्सन गद्दा यहाँ पे अवेलेबल होता है। अगर आप वेट कर रहे हैं या आपको अभी भवन आपका एसोसिएट नहीं हुआ है, 12 बजे आज हमारा मिलेगा, तो हम रात भर इसी में बिताए थे। और यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर भी है जहाँ पे लोग ब्रश वगैरह भी कर रहे हैं, तो काफ़ी सुविधाएं दी गई है यहाँ पे। दोस्तों ये देखिए, ये है हमारा भवन साई बाबा भक्ता निवास, और यहाँ पे फ्री में और यहाँ पे बहुत कम दाम में चाय वगैरह मिलती है। अगर मैं बता दूँ तो 1 रुपये में चाय, 2 रुपये में कॉफ़ी और 3 रुपये में और सा सामान भी मिल जाते हैं बहुत कम दाम में। तो लोग यहाँ पे टोकन बनवा के उसका यहाँ से खरीद के खाते हैं। ये पूरा कैंपस है, मैं आपको पूरा कैंपस दिखाऊंगा, बहुत अमेजिंग लग रहा है देख के ये सब। दोस्तों ये देखते हैं, ये है साई बाबा ट्रस्ट की फ्री बस शटल सर्विस। ये आपको आश्रम से लेकर आपको वहाँ तक लेके जाती है जहाँ पे खाना मिलता है, तो ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पूरा ये साई भवन है, यहाँ पे पार्क दी गई है, लोग कपड़ा सुखा रहे हैं, सन बाथ ले रहे हैं, बच्चे यहाँ खेल भी रहे हैं, झूला वगैरह नहीं लगा हुआ है, बट यहाँ पे ये पूरा कैंपस है इनका। चलिए मैं आपको अंदर का रूम वगैरह भी दिखाऊंगा इसके बाद। तो दोस्तों ये देखिए, ये है फूड पैकेट जो आपको मिलता है। चलिए इसको खोल के दिखाता हूँ क्या मिलता है इसके अंदर। तो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये पूड़ी है, पूड़ी के साथ साथ एक तो मिठाई दी गई है यहाँ पे, बहुत सॉलिड मिठाई है। और उसके साथ साथ ये जो है, ये देख सकते हैं, ये सब्जी यहाँ पे दाल दी गई है। तो ये सब मिलता है आपको सुबह के नाश्ते में। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा खाने में क्या मिलता है। दोस्तों मोर और लेस सारे रूम ऐसे ही हैं, पहले आपको यहाँ पे चाबी लगा देना है, उसके बाद ये सब तो खुल जाएगा। यहाँ बेसिन है, और ये देख सकते हैं, ये नहाने वहाने का जगह है। आपको यहाँ पे एक बाल्टी मिलता है, ये बैठने का मिलता है, और एक तो हैंगर ही मिलता है शायद, ये एक हैंगर भी है। और आप यहाँ पे जब आइएगा तो यहाँ पे ये जो है, ये एक टॉयलेट मिलता है आपको, और उसके साथ साथ ये जब आप अंदर घुसिएगा तो यहाँ पे 3 बेड है। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट एक है, तो मैं आपको बोलूँगा एक्सटेंशन कॉर्ड जरूर लाइए। और मैं एक बता दूँ, मेरे को सबसे बेस्ट जो लगा इस रूम टूर का वो ये था कि यहाँ पे जो ये पूरा विजुअल, ये देख सकते हैं अभी यहाँ पर कपड़े उपड़े पसारे हुए हैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बैल्कनी दी गई है, और यहाँ से पूरा कैंपस दिख रहा है बहुत अच्छे से, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है। चलिए आगे का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मैंने आवाज़ रिकॉर्ड किया था, पर सुनाई नहीं पड़ रहा होगा आपको, क्योंकि पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ। अभी हम लोग जा रहे थे यहाँ पे रात का खाना खाने के लिए, क्योंकि आपको रूम वगैरह दिखा दिए थे, और उस दिन तो हम लोग कहीं गए नहीं थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो चलिए आपको दिखाते हैं खाने का। तो दोस्तों ये रात का मेला है, 25 दिसंबर है आज, और उसका मेला यहाँ पे आप देख सकते हैं शिरडी में। तो ये जो व्यू आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे है जहाँ पे बाबा जी की बहुत बड़ी तस्वीर लगाई हुई है, वो जहाँ पे खाना वाना बनाते थे। यहाँ पे ही हम लोग को आपको रात को फ्री का खाना मिलेगा, आपको टोकन लेना पड़ता है, वहाँ पे इसका फ्री का खाना मिलता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, कितना बड़ा मेगा किचन है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो। ये शिरडी का बहुत ही बड़ा किचन है, कितनी बड़ी मेस है, अगर आप मैं आपको ऊपर से एक बार दिखाऊंगा तो ये देख सकते हैं आप, कितने सारे प्लेट और बर्तन रेडी हैं लोगों खाने के लिए, बहुत लोग हैं यहाँ पे। वन ऑफ द मेगा किचन इन इंडिया को भी नाम बुलाता है इसे। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है प्लेट, और उसके साथ साथ ये सामने देख सकते हैं कितना बड़ा किचन है, और मेरे पीछे भी देख सकते हैं कितने लोग हैं, वॉलंटियर्स भी हैं साथ में। ये है पूरी मेन्यू जो आपको रात के डिनर में यहाँ पे मिली है, और अभी पानी बांटा जा रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे मैनेजमेंट ज़रूरत पड़ता है इसे खड़ा करने में, और सबको खाना बांटने में यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है, पर बहुत ही परफेक्शनेस से किया गया है। तो दोस्तों अभी हम लोग बाहर निकल गए हैं, और आपको एग्जिट का सीन दिखा रहे हैं जहाँ से हम लोग आश्रम में खाना खाते हैं। ये आप देख सकते हैं साई दरबार का, यहाँ पे ही भोजन मिलता है, और ये है एग्जिट द्वार जहाँ से हम लोगों ने निकला है, जहाँ से हम लोग निकले हैं। और ये बाबा जी की बहुत ही बड़ी मूर्ति, एक तो ये आप देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये है जहाँ से आप फ्री टिकट ले सकते हैं प्रसाद के लिए। आपको दिखाई पड़ रहा होगा आगे, यहाँ पे फ्री मील टिकट प्रसाद के लिए मिल रहा है। इस काउंटर में आप लाइन लगाइए, उसके बाद टिकट लेने के बाद जितने नंबर ऑफ फैमिलीज हैं आपके, उसके लिए टिकट लेके आप सीधा घुस सकते हैं यहाँ से, और जा सकते हैं खाना खाने के लिए। तो दोस्तों ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रसादालय, यहाँ पे आप आ सकते हैं, और काफ़ी सारे प्रसादालय, ये सिर्फ एक प्रसादालय नहीं है,
प्रसादालय, यानी कि जहाँ पे आप खाना वाना खा सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग वेट कर रहे हैं जिनका ट्रेन लेट है या रूम नहीं मिला अभी तक, यहाँ से एंट्री है जहाँ पे आप जाके खाना खा सकते हैं। तो ये है सुबह का, हम लोग लंच कर रहे हैं। यहाँ पे पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, पहले आपको पानी दिया जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये नया आश्रम। और यहाँ पे मैं बता दूँ, शटल बस सर्विस भी आपको फ्री में छोड़ने आती है। अगर आप कोई और जगह पे हैं या कोई और आश्रम में, तो हर दोनों आश्रम से वो लोग पिकअप करते हैं, ड्रॉप भी करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं लड्डू प्रसाद काउंटर, यहाँ पे से आप लड्डू वड्डू ले सकते हैं। और ये है इनका रिसेप्शन जो आपको दिख रहा होगा सामने। अंदर में जाके आपको स्लिप दिखानी पड़ती है, अपनी बुकिंग डिटेल्स दिखानी पड़ती है, उसके बाद आपको सारा चीज़ मिल जाएगा वहाँ पे। और रूम अवेलेबल रहेंगे तो मिल जाएंगे चाबी उसी समय, नहीं तो आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा। तो दोस्तों ये वाला आश्रम थोड़ा छोटा है, देख सकते हैं यहाँ पे वेटिंग सेंटर भी थोड़ा छोटा है सामने आप देख रहे होंगे तो। और यहाँ पे डू नॉट स्पिट वगैरह लिखा हुआ है, तो यहाँ पे साफ सफाई का काफ़ी ध्यान रखते हैं लोग, मैं आपको बता दूँ, देख सकते हैं। और यहाँ पे लगेज चढ़ाने के लिए भी एक अलग से सीढ़ी दी हुई है, जो कि बहुत अच्छा आइडिया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे घुसते ही आश्रम के अंदर यहाँ पे आपको रिसेप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आप इंक्वायरी कीजिए और अपना बुकिंग कन्फर्मेशन दिखाइए, उसका प्रिंट आउट, उसके बाद आपको रूम अलॉटमेंट हो जाता है। और ये देखिए सामने बैठने की भी जगह है, आप अपना लगेज लेके बैठ सकते हैं वेट करते समय।